साथियों, किसी भी पेड़ को खोखला करना है तो सबसे पहले उस पेड़ की जड़ें काटो और उसके बाद वह पेड़ सूख कर अंदर से खोखला हो जाएगा। और यदि किसी जाति को खोखला करना है और उसे सत्ता से दूर बनाए रखना है तो सबसे पहले उस जाति को उपजातियों में बांटो और उसके बाद उन उपजातियों को उस जाति से अलग कर दो और इस तरह वह सत्ता से वंचित हो जाएंगी। और अलग अलग करने के बाद उसे उसके ही पूर्वजों के नाम पर आपस में लड़ा दो। फिर वह समाज कभी भी संगठित होकर सत्ता पर काबिज नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो अपनी ताकत अपने पूर्वजों को अपनी अपनी जाति का बताने में खत्म कर चुके होंगे। यही हमारे पासी समाज के साथ होता आया है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में पासियों की इतनी ताकत थी कि वो अपने बल पर अपना सीएम बना सकते थे। लेकिन हमें कमजोर किस तरह किया गया? पहले हमसे हमारी उपजाति खटिकों को हमसे अलग किया गया और उन्हें इतिहास का लॉली पॉप थमाकर हमारे ही विरुद्ध खड़ा कर दिया गया। फिर हमारी उपजाति भरों को हमसे अलग किया गया और उन्हें भी इतिहास नाम की लॉली पॉप थमा दी गई और उन्हें भी इतिहास नाम का लॉलीपॉप थमाकर हमसे लड़ने के लिए आगे कर दिया गया। फिर हमारी उपजाति अर्खों को हमसे अलग किया गया और उन्हें भी इतिहास और पूर्वजों के नाम का लॉलीपॉप थमाकर हमसे अलग किया गया। और फिर हमारी अन्य उपजातियों को हमसे अलग करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, जिससे हमारे पासी समाज को और कमजोर किया जा सके। यदि यदि ये सभी उपजातियां एक होती तो अपना खुद का मुख्यमंत्री होता, क्योंकि पूर्वांचल में भर जाति का 30 से 35 सीटों पर बोलबाला है तो अवध में पासी 60 से 70 सीटों पर निर्णय करते हैं और सीतापुर हरदोई रायबरेली क्षेत्रों में अरख उपजाति अधिक संख्या में है और ये सभी उपजातियां एक होकर अपनी खुद की पार्टी बनाकर चुनाव लड़ती तो आज मुख्यमंत्री पद का दावेदार हमारी जाति से ही होता, हमारी जाति से ही होता। लेकिन अब इन सभी उपजातियों को छतरी नाम का लॉलीपॉप थमा दी है आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों ने, क्योंकि पासी जाति को एससी का दर्जा संविधान में दिया गया है और भर और अरख जाति को ओबीसी की श्रेणी में रखा गया है। यही कारण है कि ये अपने आप को पासी जाति से अलग करने का पर तुले हुए हैं, जबकि अलग अलग लड़ने वाला व्यक्ति हमेशा मारा गया है और इसीलिए हमारी किसी भी जाति का वर्चस्व कायम नहीं हो पाया और इसीलिए वो हर सत्ता शासन में प्रताड़ित किए जाते रहे हैं। और जो भी जातियां एक हो गई हैं वो आज सत्ता का सुख भोग चुकी हैं, जैसे यादव और अहिर, ये भी जातियां आपस में खूब लड़ती थी लेकिन उनके बुद्धिजीवी संगठनों ने एक टेबल पर बैठकर विचार किया कि हमारे पूर्वज एक हैं तो हम दो भागों में क्यों हैं, एक होकर सत्ता के लिए संघर्ष करो और उन्होंने ऐसा किया। आज बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई बार सत्ता का सुख भोग चुके हैं। ठीक इसी प्रकार जाटों और चमारों का भी खूब आपसी विवाद था। जाटों तो चमारों के यहां पानी तक नहीं पीता था, लेकिन उनके भी सभी बुद्धिजीवी संगठन मिलकर इस पर पहल की और सफलता हुई वो सफल हुए।
उसका भी समाधान निकला और अपनी अनेक उपजातियों को एक किया, जैसे खासिया, छुसिया, मोची, जाटो, चमार आदि सभी जातियों को एक कर लिया और वो भी सत्ता का सुख भोग चुके हैं। और राजपूत समाज की भी सभी उपजातियां बीसेन, बैस, चौहान, कनपुरिया, राय, ठाकुर आदि सभी जातियां एक होकर सत्ता का सुख भोगती आई है। हमारा पासी समाज इन्हीं तीनों जातियों को लेकर आपस में लड़ता है और यही तीनों जातियां हमारी पासी जाति को, उपजातियों को एक नहीं होने देती, क्योंकि वो भली भांति जानते हैं उनकी जाति के लोग उनके साथ तो है ही और पासी जाति के लोग उस जिसको वोट देंगे वो सत्ता पर काबिज हो जाएगा। अगर पासी जाति की सभी उपजातियां एक हो गई तो उनको सत्ता तक जाने का रास्ता बंद हो जाएंगे और यही कारण है कि हमें आपस में लड़ाया जाता रहा है और हम लड़ते भी इन्हीं तीन जातियों के लिए हैं। और कुछ मूर्ख लोग उन लोगों का समर्थन कर देते हैं जिससे विवाद और उत्पन्न हो जाता है, जबकि तमाम किताबों में इन सभी उपजातियों को पासी जाति का ही बताया जाता है। जैसे इंडियन फ्रांचाइजी कमेटी और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी और हिंदू ट्राइब एंड कास्ट बनारस और गुलजिस्ता लखनऊ लेखक अब्दुल हमीद सरर आदि सभी किताबों में भर जाति को पासी जाति की उपजाति बताया गया है। मिस्टर बलंट तो यहाँ तक लिखते हैं कि भरो को ही पासी कहा जाता है, अर्थात तो भरो का दूसरा नाम पासी है। अब इसी तरह लेखक हीरा लाल और लेखक विजय सोनकर शास्त्री अरख जाति को भी पासी जाति की उपजातियां बताते हैं और इसी तरह लेखक विजय सोनकर शास्त्री जी खटीक जाति को भी पासी जाति का ही मानते हैं। इस प्रकार के और भी बहुत से प्रमाण हैं जो हमारी इन सभी उपजातियों को पासी जाति का ही माना गया है, लेकिन इन सभी जातियों को क्षत्रिय का नशा चढ़ गया है, जबकि संविधान में ऊंचा नीचा छोटा बड़ा के हिसाब से श्रेणी नहीं बनी, जबकि वो श्रेणी अगड़ा पिछड़ा शोषित वंचित के आधार पर बनी है और उसी आधार पर सुविधाएं दी गई हैं, जबकि आज के दौर में अगड़ों को छोड़कर लगभग हर जाति के लोग पिछड़े और वंचित हैं। जनरल ओबीसी एससी एसटी ये श्रेणी किसी भी जाति को छोटा बड़ा साबित करने के लिए नहीं बनी, बल्कि ये श्रेणी उनको अधिकार देने के लिए बनी है। अब आप लोग समझदार हो और इस पर विचार करो और सोचो, सभी भाई ये वीडियो हमारी उपजाति भर अरख खटीक जातियों के पास पहुंचा दो। धन्यवाद।